फिल्मों के लिहाज से 2019 की शुरुआत शानदार रही। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठाकरे और उरी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की। वहीं आपको बता दी कि 2019 का फरवरी महीना भी कई बड़ी फिल्में लेकर आ रहा है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो फरवरी में रिलीज होने जा रही है और जो एक दूसरे को टक्कर देने में माहिर होंगी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इस फिल्म से पहली बार अनिल कपूर और उनकी बेटी सोनम कपूर आहूजा के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म की कहानी को समलैंगिक रिश्तों पर आधारित बताया जा रहा है। इस यूनिक मुद्दे पर कम फिल्में बनी हैं। फिल्म में आपको राजकुमार राव और जूही चावला भी दिखेंगी। बता दें कि काफी लंबे वक्त के बाद अनिल कपूर और जूही चावला की जोड़ी प्रशंसकों को देखने को मिलेगी। फिल्म का निर्देशन डेब्यू डायरेक्टर शैली चोपड़ा धार ने किया है और ये फिल्म 1 फरवरी 2019 को रिलीज होने जा रही है। फकीर ऑफ वेनिस, इस फिल्म का निर्देशन आनंद सुरापुर ने किया है। फिल्म के कास्ट में आपको फरहान अख्तर, अनु कपूर और कमाल सिद्धू नजर आएंगे। इस फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है। वैसे तो ये फिल्म साल 2009 में बनकर तैयार हो गई थी, मगर भारत में इसे 2019 में रिलीज किया जा रहा है। ये फिल्म भी 1 फरवरी 2019 को रिलीज होने जा रही है। गली बॉय, जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म गली बॉय 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर ऑलरेडी काफी बज बना हुआ है। फिल्म में आपको रणवीर सिंह एक स्ट्रीट रैपर के रोल में नजर आएंगे और वहीं उनके साथ पहली बार जोड़ी में नजर आएंगी आलिया भट्ट। फिल्म के गाने पहले से ही काफी धमाल मचा रहे हैं। टोटल धमाल, इस फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और ये एक मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में आपको अजय देवगन, अनिल कपूर, संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, माधुरी दीक्षित, ईशा गुप्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि फरवरी महीने में बॉलीवुड देने जा रहा है एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का। बॉलीवुड डेस्क, storyhowhindi.com। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।